हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और स्टडी 16 पर आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए, और जानेंगे कि करंट अफेयर्स के या जनरल नॉलेज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो जीके क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं या किस प्रकार से आने की संभावना है। इसमें हम कुछ अवार्ड्स भी देखेंगे, भारत रत्न किस किस को मिला है, और इसमें नोबेल प्राइज वगैरह भी देखेंगे, और 2019 के कुछ क्वेश्चन है, 2020 के क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जो 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं आपके सिलेक्शन में। जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 10 नंबर की भूमिका आप समझ सकते हैं किस प्रकार होती है। तो वीडियो करते हैं शुरू, उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन। और इससे पहले हम लोग जियोग्राफी मतलब भूगोल, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस और काफी लेक्चर देख चुके हैं और जनरल नॉलेज के भी काफी क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट है डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी की, और उस प्लेलिस्ट में काफी वीडियो डली है, 50 से 60 वीडियो है, वो आप जाकर देख सकते हैं। करते हैं वीडियो को शुरू, उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी, अभी आर्मी के चीफ कौन है, ये पहला क्वेश्चन है। और अभी चेंज हुए हैं, इससे पहले जो आर्मी के चीफ थे वो थे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, लेकिन अब चेंज हो गए हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्मी चीफ अभी कौन है, तो वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अभी आर्मी के चीफ हैं। तो क्वेश्चन आएगा अभी आर्मी के चीफ कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि CDS का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDS, और अभी CDS कौन है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन के आने की संभावना मुझे सबसे ज्यादा लग रही है। CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये पद अभी नया बनाया गया है, जो भी पद नए बनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि नीति आयोग बना था जब 2014-15 की बात है, मतलब 2015 बना था जब, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे गए थे। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता था, नीति आयोग के CEO पूछे जाते थे, नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछे जाते थे, या नीति आयोग के गठन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो CDS का भी गठन हुआ है, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। एक क्वेश्चन बनता है कि CDS का फुल फॉर्म क्या है, CDS का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दोस्तों CDS काफी महत्वपूर्ण है, आपको ये फुल फॉर्म और कौन है CDS ये जानना काफी जरूरी है। तो CDS का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और अभी CDS कौन है, तो जो पहले आर्मी चीफ थे इससे पहले, तो जनरल बिपिन रावत हैं, जो बिपिन रावत अभी CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। एक क्वेश्चन आता है कि अभी आर्मी के चीफ कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। CDS का फुल फॉर्म क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी यह बनाया गया है, क्वेश्चन आएगा तो इसी साल बनाया गया है CDS, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा चुना गया है, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा चुना गया है। आपके ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, पुणे, या चौथा है हैदराबाद। ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी महत्वपूर्ण है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है या कौन सा चुना गया है। ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसे मिनी मुंबई भी कहते हैं। नेक्स्ट है जबलपुर, सेकंड है, थर्ड है पुणे, और उसके बाद हैदराबाद। तो इंदौर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, शायद है चौथी साल शायद है सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, तो ये आप चेक कर लीजिए, जनरली इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे, 1915 में 9 जनवरी साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे। साउथ अफ्रीका की जनरली 3 राजधानियां, एक शायद केप टाउन है और 2 और हैं शायद, तो इस प्रकार से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है,
1915 में गांधी जी जब भारत आए थे लौटकर, तो उनके ऊपर लक्ष्मी शायद मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 2020 के रिपब्लिक डे पर, 2020 के भारतीय गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन थे या मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2020 मतलब 26 जनवरी की बात हो रही है यहाँ पर। 26 जनवरी 2020 को ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि 26 जनवरी 2019 को रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। तो इस बार ये क्वेश्चन आने की संभावना है। 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह में भारत के जो चीफ गेस्ट थे भारत में, वो कौन थे? आपके ऑप्शन है जस्टिन ट्रूडो, जेयर बोलसोनारो, डोनाल्ड ट्रंप या बोरिस जॉनसन। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 26 जनवरी 2020 को इंडिया में जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो आपको बता दूं कि हर साल भारत एक चीफ गेस्ट को, मेहमान को बुलाता है भारत में 26 जनवरी को। तो हर बार इससे क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बनता है। ऑप्शन में जस्टिन ट्रूडो शायद कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और कनाडा की राजधानी ओटावा है, कभी कभार पूछ ली जाती है। जेयर बोलसोनारो ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव है, और बोरिस जॉनसन यूके यानी यूनाइटेड किंगडम या आप इंग्लैंड या ब्रिटिश जो भी कहें वहां के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है जेयर बोलसोनारो। तो 2020 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो भारत के लिए जो चीफ गेस्ट थे वो थे जेयर बोलसोनारो। प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, और कहां के हैं? ब्राजील के हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, और ये भारत की यात्रा पर थे। 26 जनवरी को मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन आ सकता है 2020 में 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो जेयर बोलसोनारो थे। और वो कहां के राष्ट्रपति हैं? तो ब्राजील के हैं। ब्राजील की कैपिटल जनरली ब्राजीलिया है, कोई कोई रियो डी जेनेरियो बोलता है, लेकिन आपको एक बात बता दूं रियो डी जेनेरियो वहां की राजधानी नहीं है या कैपिटल नहीं है, ब्राजीलिया है। काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों के मन में। रियो डी जेनेरियो काफी फेमस है, शायद वहां पर ओलंपिक हुआ था इसलिए फेमस है। बाकी ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। प्रेसिडेंट वहां के कौन है? जेयर बोलसोनारो है। 2020 में 26 जनवरी पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो ये थे। और एक क्वेश्चन है भी कभी कभार पूछ लिया जाता है 2019 में मुख्य अतिथि कौन थी 26 जनवरी को? तो वो शायद सरल रामाफोसा थे और वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का फुल फॉर्म क्या है और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये तो आप कई बार बता चुके हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन आता है इसरो का फुल फॉर्म क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और बेंगलोर को कौन सी सिटी कहा जाता है? बेंगलोर को अंतरिक्ष नगर, इलेक्ट्रॉनिक्स नगर, इलेक्ट्रॉनिक का शहर कहा जाता है बेंगलोर। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितने साल का होता है? राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे अभी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्यसभा से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप LLB और BLL कर रहे हैं तो राज्यसभा से एक से दो क्वेश्चन हर साल आते हैं और आ रहे हैं। राज्यसभा भारतीय संसद का अपर हाउस है राज्यसभा, और इसमें जो सांसद चुना जाता है वो 6 साल के लिए जनरली चुना जाता है। और राज्यसभा में स्पीकर नहीं होता है, राज्यसभा का जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है उसे सभापति कहते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति होते हैं। और अभी उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, और स्पीकर हैं, और जो सॉरी 22 प्रेसिडिंग ऑफिसर है, मतलब जो वहां के उपसभापति हैं वो हरिवंश हैं। ये कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा लोअर हाउस होता है और उसका टर्म होता है 5 साल, तो ये क्वेश्चन कभी कभार बनता है। नेक्स्ट है भारत के अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर मतलब हिंदी में रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री अभी कौन है भारत के? तो वो है राजनाथ सिंह। क्वेश्चन आता है कि हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब अभी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। एक और आता है विदेश मंत्री से रिलेटेड, तो विदेश मंत्री हैं इनका फुल फॉर्म है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इसे आप एस जयशंकर शॉर्ट में याद रखें, जितना उतना ज्यादा आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम में फायदेमंद होता है। तो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। नेक्स्ट कभी कभार गृह मंत्री आ जाता है, तो गृह मंत्री आपको पता है, इसे इंग्लिश में शायद होम मिनिस्टर कहते हैं। गृह मंत्री हैं अमित शाह गृह मंत्री हैं। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो राजनाथ सिंह हैं वो रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उसके बाद गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो ये क्वेश्चन जनरली
कभी कभार पूछे जाते हैं। एक और मंत्रालय से क्वेश्चन आ सकता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जल शक्ति मंत्रालय से सबसे ज्यादा हमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं, तो जल शक्ति मंत्री कौन है, तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, तो गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है, जल शक्ति मंत्री है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी काफी चर्चा में रहा था, यूपीएससी, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान की राजधानी क्या है। ईरान करंट अफेयर्स में इसलिए ले रहे हैं, ईरान अमेरिका, जो अमेरिका ईरान का विवाद था वो काफी चर्चा में था, एक परमाणु संधि थी, इसलिए ईरान चर्चा में। ईरान एशिया में है। एक क्वेश्चन यह बनता है, ईरान किस कंटिनेंट में आता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए, ईरान एशिया में आता है, और ईरान की जो कैपिटल है मतलब राजधानी है वो है तेहरान, और चाबहार बंदरगाह कहाँ है, एक क्वेश्चन यह बनता है, चाबहार, तो चाबहार बंदरगाह कहां पर स्थित है, एक क्वेश्चन यह बन सकता है, तो ये कहां है, ईरान में है, क्योंकि भारत ने भी कुछ इन्वेस्ट किया है चाबहार बंदरगाह में। तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान कहां है, एशिया में है, चाबहार ईरान बंदरगाह है। नेक्स्ट, इराक की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इराक, सो द कैपिटल ऑफ इराक इज बगदाद, इराक की कैपिटल है, ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद, कंफ्यूजन मत करना, ये महत्वपूर्ण राजधानी है। नेक्स्ट, कनाडा की कैपिटल क्या है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा नॉर्थ अमेरिकन कंट्री से और अमेरिका से बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट और लास्ट है यूएई की कैपिटल, इसके बाद कैपिटल आपकी खत्म हो जाएगी। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन हम लोग देख चुके हैं। तो यूएई का फुल फॉर्म जनरली कभी कभार पूछा जाता है, तो इसका शायद है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। हाँ, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है। यूएई में आईपीएल खेल रहा है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग यूएई में खेला जा रहा है। एक क्वेश्चन यह बनता है, आईपीएल 2019 किसने जीता, तो मुंबई इंडियंस ने जीता, किसको हरा कर जीता, तो चेन्नई सुपर किंग्स को, यह क्वेश्चन बन सकता है। यूएई में आईपीएल खेला जा रहा है, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है, शारजहां किस देश में स्थित है, शारजहां में काफी महत्वपूर्ण क्रिकेट स्टेडियम है, शारजहां एक काफी अच्छी जगह है, शारजहां आप जो भी समझें, शारजहां कहां स्थित है, शारजहां क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है, आपके ऑप्शन है यूएई, ईरान, इराक, तो यूएई में है शारजहां क्रिकेट स्टेडियम। अबू धाबी, दुबई कहां है, तो दुबई भी यूएई में है, आप लोग ये याद रखिए। अब जो कैपिटल आएगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अबू धाबी है, शारजहां है कि दुबई है, तो यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी, और क्रिकेट स्टेडियम कहां है, महत्वपूर्ण शारजहां है, तो तीनों जगह, लेकिन पूछा जा भी जा सकता है शारजहां किस देश में स्थित है, यूएई में, और दुबई भी यूएई में है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयरस, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयरस। तो नेक्स्ट है पीएम ऑफ यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है, क्वेश्चन यह भी आ सकता है, ब्रिटिश है, ब्रिटिश आ सकता है कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, या यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है, जनरली आएगा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है बोरिस जॉनसन। क्वेश्चन यह आ सकता है कि बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो इंग्लैंड के। जे आर बोलसोनारो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ब्राजील के हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, बिहू एक काफी मशहूर त्योहार है, फेमस फेस्टिवल है बिहू, ये किस राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन में है असम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर, तो बिहू जो त्योहार है वो असम में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है असम की कैपिटल क्या है, तो डिस्पर है, और कजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही स्थित है, एक क्वेश्चन कभी कभार है बन जाता है, शायद असम में ही है, कजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, असम में है, कजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड असम, असम की कैपिटल है डिस्पर, और असम के शायद मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, और असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट है 2019 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप किस देश ने जीता और कहां पर खेला गया और किस देश को हराया, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं 50-50 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, मतलब वनडे वर्ल्ड कप, आप लोग क्रिकेट देखते हैं और काफी अच्छे से इसका आंसर देंगे, मुझे आशा है। तो 2019 में 50-50 वर्ल्ड कप हुआ था, एक क्वेश्चन बनता है किस देश में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड एंड वेल्स भी लिखा आ सकता है, तो आप लोग वही समझिए, इंग्लैंड तो आएगा ही।
दूसरी बात, किस देश ने जीता? इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड ने जीता। जो क्रिकेट नहीं देखते उनके लिए एक अच्छी चीज है कि इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड ने ही जीता। किस देश को हराया फाइनल में? तो न्यूजीलैंड को हराया। दूसरी बात, एक क्वेश्चन बनते हैं, तो इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड ने जीता, न्यूजीलैंड को हराया, कब हुआ? 2019 में। कौन सा वर्ल्ड कप था? वनडे वर्ल्ड कप था। कितने ओवर का था? 50 ओवर का था। एक क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात, अब 2023 में होगा जो वर्ल्ड कप, वो किस देश में होगा? ये क्वेश्चन बनता है। 2023 में 50-50 वर्ल्ड कप होगा, किस देश में होने की संभावना है? तो भारत में होगा। एक भारत इंडिया, भारत का मतलब इंडिया, और इंडिया मतलब नई दिल्ली, इसकी कैपिटल है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 2023 का वर्ल्ड कप भारत में होगा। वनडे वर्ल्ड कप की बात हो रही है। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइज समूह है एक देशों का। मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स का कभी कभार फुल फॉर्म आ सकता है, ब्रिक्स, BRICS, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो BRICS, 1, 2, 3, 4, 5, 5 देश है इसमें। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिक्स में कितने देश हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 देश हैं ब्रिक्स में। दूसरी बात, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, रूस की कैपिटल मास्को, इंडिया की न्यू दिल्ली, चाइना की बीजिंग, साउथ अफ्रीका की 3 है, लेकिन मैंने एक साथ केप टाउन है, चेक कर लीजिए, डरबन भी हो सकता है, जोहानसबर्ग भी हो एक और। तो वहां पर अलग अलग है, प्रशासनिक अलग चलती है, वो अलग चलती है। तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल जरूर देख कर जाइए पेपर देने के लिए। तो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, समूह है, कितने देशों का है? 5 देशों का है। एक बात तो और बताना भूल ही गया कि पहले ब्रिक था, बाद में एस जोड़ा गया, साउथ अफ्रीका, शायद 2008 में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था ब्रिक से रिलेटेड, शायद 2016 में पूछा था या 2017 में, कि साउथ अफ्रीका कब जोड़ा गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्रिक पहले 4 था, BRICS, बाद में एस जोड़ा गया तो ब्रिक्स हो गया, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स इसलिए और महत्वपूर्ण है, इसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, रूस भी है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देश है। तो ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो जेयर बोलसोनारो है। तो नेक्स्ट है, नासा का फुल फॉर्म क्या है और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नासा, NASA, नासा तो आप जानते हैं, इसरो की हम बात कर चुके हैं। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका की राजधानी, मैंने आपको क्या बताई थी, सही समझा आपने, वाशिंगटन डीसी, आपको जल्दी याद हो जाती है कैपिटल। तो नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, नासा की कैपिटल है, सॉरी नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO, DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, DRDO का फुल फॉर्म क्या है? इसरो, नासा, DRDO, हेडक्वार्टर भी पता रहना चाहिए, फुल फॉर्म भी पता रहना चाहिए। तो DRDO, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ DRDO इज सिचुएटेड? सो द हेडक्वार्टर ऑफ DRDO इज न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। तो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इतने क्वेश्चन DRDO से बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको बता दिया है, बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। असम की कैपिटल है दिसपुर। और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का 2019 का नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? 2019 के इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिए गए? तो पहली बात है 3 व्यक्तियों को दिए गए। दूसरी बात है, यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और यह आ सकता है क्योंकि इसमें एक भारतवंशी है और वो है अभिजीत बनर्जी है। एक और शायद माइकल क्रेमर है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ, हाँ माइकल क्रेमर, अभिजीत बनर्जी उनकी पत्नी है ईस्थर डुफ्लो और
माइकल क्रेमर। क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स का पुरस्कार 2019 का नोबेल प्राइज 2000। क्वेश्चन यह आएगा कि 2019 का नोबेल प्राइज कितने व्यक्तियों को मिला। ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3 या 4। कितने व्यक्तियों को मिला? 3 को। और कितनी महिलाओं को मिला? यह भी आ सकता है, तो 1 महिला 2 पुरुष। दूसरी बात, कौन कौन को मिला? अभिजीत बनर्जी। बनर्जी यह भारतीय है, भारतीय मूल के हैं। और दूसरी बात है, ईस्थर डुब्लू को मिला, ये इनकी पति पत्नी है, वाइफ है। नेक्स्ट है माइकल क्रेमर, माइकल क्रेमर को मिला। तो अभिजीत बनर्जी, ईस्थर डुब्लू और माइकल क्रेमर। ट्रैक बना लीजिए, चाहे आप एलियन या जो सामने आया कल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभिजीत बनर्जी कभी भी आ सकता है, एसएससी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2019 में किस किस को मिला? अभिजीत बनर्जी, ईस्थर डुब्लू और माइकल क्रेमर। एक बात और बताऊं कि 1998 में इकोनॉमिक्स का पुरस्कार नोबेल प्राइज किसको मिला था, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारतीय मूल के थे और वो थे एक अमर्त्य सेन। हाँ मैं भूल गया, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, मैंने आपको बताया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि कभी भी किसी भी भारतीय मूल या भारत के व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, नोबेल प्राइज कहाँ से दिए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज कहाँ से दिए जाते हैं? तो स्वीडन है, स्वीडन एक देश है। स्वीडन की कैपिटल पूछी जाती है तो वो है स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल है, स्टॉकहोम है। तो नोबेल प्राइज कहाँ से दिए जाते हैं? स्वीडन से। स्वीडन एक देश है और ये यूरोपियन कंट्रीज है। स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। एक और क्वेश्चन आता है कि नोबेल पीस प्राइज कहाँ से दिया जाता है। पीस प्राइज अकेला ऐसा है जो यहाँ से नहीं दिया जाता है, स्वीडन और स्टॉकहोम से। ये क्वेश्चन पीएससी लेवल एग्जाम और एसएससी में पूछा गया था। तो नोबेल पीस प्राइज है, ये दिया जाता है, नॉर्वे की कैपिटल है, आपने सही समझा है, ओस्लो। एक क्वेश्चन यह बनता है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है और पीस प्राइज मतलब शांति का पुरस्कार ओस्लो से दिया जाता है। एक क्वेश्चन और यह बन सकता है कि पीस प्राइज किसको मिला अभी नोबेल का। पहली बात है कि कितने व्यक्तियों को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। कितने व्यक्तियों को मिला? 3 व्यक्तियों को। इसमें अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रेमर और ईस्थर डुब्लू, 1 महिला 2 पुरुष। दूसरी बात, 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। तीसरी बात, नोबेल पुरस्कार स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, वहां से दिए जाते हैं। नोबेल पीस प्राइज लेकिन ओस्लो से दिया जाता है और ओस्लो की, ओस्लो एक कैपिटल है, कहाँ की है? तो नॉर्वे की है, कैपिटल है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और कमेंट करें कि किस प्रकार से आपको वीडियो चाहिए है। नेक्स्ट है कि हाँ, पीस प्राइज किसे मिला? पीस नोबेल में पीस प्राइज भी दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार, वो किसे मिला? तो वो मिला है अभी अहमद को। आप स्पेलिंग चेक कर लीजिए थोड़ा, अभी अहमद को। और अभी अहमद कहाँ के हैं? राष्ट्रपति हैं, ये हैं राष्ट्रपति इथोपिया की हैं, इथोपिया के राष्ट्रपति हैं, इथोपिया के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन आता है, नोबेल पीस प्राइज किसे मिला 2019 का? 2019 की बात हो रही है, ये शायद दिसंबर में दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी अहमद को मिला है और वो इथोपिया के राष्ट्रपति हैं और इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा वाज द कैपिटल ऑफ इथोपिया। अदिस और ये कंट्री है, इथोपिया है अफ्रीका में, अफ्रीका में। और आपको मैंने एक बात बताई थी, अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री पर है, तीनों अफ्रीका कंटिनेंट से गुजरती है। तो पीस प्राइज किसे मिला? अभी अहमद को मिला। अभी अहमद क्या है? राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? इथोपिया के हैं। कहाँ आता है इथोपिया? अफ्रीका में आता है। और दो मकर रेखा, कर्क रेखा और इक्वेटर भूमध्य रेखा, तीनों यहाँ से गुजरती हैं। ये क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहते हैं आपने, आपकी सिलेक्शन में, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 2019 का भारत रत्न कितने व्यक्तियों को मिला? 2019 का भारत रत्न कितने व्यक्तियों को मिला? भारत रत्न, भारत रत्न से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो 2019 का भारत रत्न 3 व्यक्तियों को मिला। पहली बात, एक किसान मिला प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे।
तो प्रणब मुखर्जी अभी कौन है राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी उन्हें कहा जाता था। तो प्रणब मुखर्जी को मिला, नानाजी देशमुख को मिला, नानाजी देशमुख और एक और को मिला, वो है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका। क्वेश्चन आता है 2019 में भारत रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? कितने व्यक्तियों को दिया गया? तीन व्यक्तियों को। कौन कौन? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तो ये क्वेश्चन बनता है, प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनका संबंध पश्चिम बंगाल से था, नानाजी देशमुख शायद महाराष्ट्र के थे, भूपेन हजारिका असम के थे। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम की राजधानी दिसपुर है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं, पहला भारत रत्न कब दिया गया? ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे, तो पहला भारत रत्न कब दिया गया, ये तो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और किन किन को दिया गया था। तो पहली बार जो भारत रत्न दिया गया था वो 1954 में दिया गया था, 1954 में पहली बार भी तीन व्यक्तियों को दिया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। अभी कौन कौन को दिया गया? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका कहां से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। ऑप्शन में आएगा भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से, असम, वेस्ट बंगाल या कुछ और आ जाएगा, असम से। 1954 में तीन व्यक्तियों को दिया गया था, तीन व्यक्तियों में थे पहले नंबर सर सीवी रमन थे, सबसे पहले थे डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम लिया जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और यही भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और आगे चलकर ये राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद सर सीवी रमन और उसके बाद सी राजगोपालाचारी। तो इन्हें कब मिला था? 1954 में। क्वेश्चन आता है कि पहली बार भारत रत्न कब दिया गया, कितने व्यक्तियों को दिया गया? पहली बार 1954 में दिया गया, कितने व्यक्तियों को दिया गया? तीन व्यक्तियों को दिया गया। कौन कौन थे? सर सीवी रमन। सर सीवी रमन एक महान वैज्ञानिक थे। एक क्वेश्चन यह बनता है भारत के महान वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे? उन्हीं के उपलक्ष्य पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, शिक्षक दिवस किन के उपलक्ष्य मनाया जाता है। एक और थे सी राजगोपालाचारी। तीन व्यक्तियों को मिला, कब मिला? 1954 में। नेक्स्ट है जीवाजी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? जीवाजी यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये क्वेश्चन बन सकता है। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। जीवाजी यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ है? तो वो एमपी में है। नेक्स्ट है सियोल प्राइज, पीस प्राइज 2018 किसे मिला? सियोल पीस प्राइज, इसे आप हिंदी में समझ लीजिए सियोल शांति का पुरस्कार, सियोल पीस, सियोल पीस प्राइज। सियोल कहाँ की कैपिटल है? सियोल शायद साउथ कोरिया की कैपिटल है, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया यहाँ लिख लीजिए, साउथ कोरिया कैपिटल है, शायद आप चेक कर लीजिए और चेक जरूर करिए। सियोल पीस प्राइज किसे मिला? तो ये 2018 का पीस प्राइज है, जब से दिया नहीं गया है, 2019 में दिया गया है, 2018 का था। ये मिला था भारत के प्राइम मिनिस्टर, माननीय भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी को यह मिला था। तो सियोल पीस प्राइज कैसे मिला? तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लें फिर से, आप लोग कहें तो। तो पहला क्वेश्चन है कि हु इज द चीफ ऑफ द आर्मी? चीफ ऑफ आर्मी कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट है सीडीएस कौन है? तो जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है इंदौर का भारत का सबसे स्वच्छ शहर? तो इंदौर है। नेक्स्ट है कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद है यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स का नगर किस शहर को कहते हैं? तो बेंगलोर को कहते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितने साल का होता है? मतलब राज्यसभा का सांसद कितने साल तक राज्यसभा का सांसद रह सकता है? तो एक बार में 6 साल। दूसरी बात, राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है, लोकसभा का सांसद 5 साल रह सकता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और एस राधाकृष्णन बाद में आगे चलकर राष्ट्रपति भी बनते हैं। भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर। गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह, और जल शक्ति मंत्रालय या जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान? ईरान एक एशिया का एक देश है। ईरान की कैपिटल है तेहरान, और इराक की कैपिटल है बगदाद, और कनाडा की कैपिटल है ओटावा, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयरस, और यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है?
पीएम ऑफ यूके, यूके का फुल फॉर्म आता है यूनाइटेड किंगडम, और यूके के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। और बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट है आईपीएल 2019 का चैंपियन कौन बना? तो आईपीएल 2019 का चैंपियन मुंबई इंडियंस टीम बनी, और मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, साझेदार रन से हराया था। ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। खैर 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता और किस देश में खेला गया, और 2023 का वर्ल्ड कप किस देश में खेला जाएगा? तो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था 50 ओवर वाला, तो वो इंग्लैंड ने जीता, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया। और 2019 का जो वर्ल्ड कप वो इंग्लैंड में ही खेला गया था, और 2023 का जो खेला जाएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में खेले जाने की संभावना है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला जाएगा? तो 2023 में। नेक्स्ट है ब्रिक्स का क्या फुल फॉर्म है? ब्रिक्स मतलब एक संगठन है, यह ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें 5 देश हैं, साउथ अफ्रीका बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट है नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है, और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला? 3 व्यक्तियों को मिला, जिनमें माइकल क्रेमर, ईस्थर डुप्लो और अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी शायद भारतीय मूल के हैं इसलिए यह चर्चा में है। 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। और नोबेल प्राइज कहाँ से दिए जाते हैं? तो स्वीडन से। स्वीडन की कैपिटल पूछी जाती है तो वो स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम यह शहर है जो यूरोप में स्थित है। लेकिन नोबेल पीस प्राइज एक इकलौता ऐसा प्राइज है जो स्वीडन या स्टॉकहोम से नहीं, ओस्लो से दिया जाता है, और ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। नॉर्वे एक देश है, यूरोपियन कंट्री है, काफी अच्छा है कंट्री है। और नेक्स्ट है कि नोबेल पीस प्राइज किसे मिला 2019 का? तो अभी अहमद को मिला, और वो इथियोपिया के राष्ट्रपति हैं। इथियोपिया एक कंट्री है अफ्रीका में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में भारत रत्न कितने व्यक्तियों को मिला? तो 3 व्यक्तियों को मिला, प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे, उसके अलावा भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। नेक्स्ट है पहली बार भारत रत्न कब दिया गया? 1954 में दिया गया। जीवाजी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। सियोल पीस प्राइज 2018 किसे मिला? तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी प्रकार से हम लोगों ने काफी क्वेश्चन देखे। तो अगर दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके पास आए। और एक और बात, आप डॉक्टर हमारे चैनल पर जाइए, डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट है, उसमें लेक्चर 6 से 7 है, वो आप देखिए। इससे पहले हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 50 या 25 क्वेश्चन देखे थे। हिस्ट्री के तो शायद 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो भूगोल हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स के भी देख चुके हैं, और पॉलिटिकल साइंस के भी देख चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमने देखे हैं। करंट अफेयर्स भी आपका आज हो गया है, और थोड़े से 4-5 क्वेश्चन देखे थे शायद एकदम रीजनिंग के, तो काफी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो हर दिन हम लोग आते हैं, तो वीडियो आप देखिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।